वीडियो स्टार्ट करने से पहले, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था कि लुओजिंग की मुलाकात फॉरेस्ट के अंदर जी से हुई थी, जिसके साथ में मिलकर वो इस फॉरेस्ट में मौजूद ट्री डीमंस का सामना करते हुए उन्हें पूरी तरीके से राख में बदल कर उस फॉरेस्ट से बाहर आ गए थे, जिसके बाद उन्हें माउंटेन वाले इलाके को पार करके जाना था और उन्हीं माउंटेन के अंदर कुछ ट्रेजर्स भी थे, इसलिए लुओजिंग उन ट्रेजर्स को वहाँ पर हासिल करने का डिसाइड करता है, जिसके लिए वो वहाँ पर मिले हुए बाइली होंग फेंग के साथ में उस ट्रेजर वाली केप के अंदर जाता है, जहाँ उनके ऊपर कुछ पपेट्स ने अटैक कर दिया था। और अब आगे हमारे वीडियो की स्टार्टिंग भी उसी केप से होती है, जहाँ पर उन पपेट्स ने लुओजिंग के ऊपर अटैक कर दिया था, जिन्हें की लुओजिंग वहाँ पर किसी तरीके से डॉच कर देता है, लेकिन वो फिर से उसके ऊपर अटैक करते हैं, तो इनसे बचने के लिए लुओजिंग इधर उधर भागने लगता है, जिसमे की उसे वहाँ पर काफी प्रॉब्लम हो रही थी। और इसी बीच वहाँ पर एक स्वॉर्ड लुओजिंग को लगने वाली होती है कि तभी वहाँ पर बाइली होंगफेंग अपने डायर की मदद से उस स्वॉर्ड को लुओजिंग से दूर कर देता है, लेकिन इसकी वजह से वो वहाँ पर खुद का डिफेंस नहीं कर पाता है और वो पपेट उसके ऊपर अटैक करके उसे वहाँ पर इंजर्ड कर देता है, जिससे कि लुओजिंग वहाँ पर संभाल लेता है। और उसके बाद वहाँ पर उस चेस्ट के ऊपर लगा हुआ क्रिस्टल ग्लो करता है, जिस वजह से वहाँ पर जो भी पपेट्स लुओजिंग ने तोड़े थे वो सभी वहाँ पर वापस से जुड़ने लगते हैं, और साथ ही साथ उनकी पावर्स भी वहाँ पर पहले से काफी ज्यादा बढ़ गई होती हैं, जिस बात को वहाँ पर उन दोनों ने भी नोटिस कर लिया था, इसलिए वहाँ पर समझ जाते हैं कि अगर उन्हें इन पपेट्स को हराना है तो सबसे पहले उस क्रिस्टल को यहाँ पर तोड़ना होगा। और इसीलिए लुओजिंग वहाँ पर बाइली होंगफेंग को वहाँ से बाहर फेंकने का कहता है, जिस बात को सुनकर वहाँ पर बाइली होंगफेंग को लगता है कि लुओजिंग उसे एस्केप से बाहर फेंकने वाला है, लेकिन होता उसका उल्टा है। लुओजिंग उसे पकड़ के सीधे उस चेस्ट की तरफ फेंक देता है, जिस वजह से वहाँ पर बाइली होंगफेंग शॉक होते हुए चिल्लाकर उससे कहता है कि मुझे तो उस साइड जाना था, मुझे इस साइड नहीं, तुम लुओजिंग काफी ज्यादा बुरे हो। और उसके बाद बाइली होंगफेंग उस चेस्ट के पास में पहुंच गया था, जिस वजह से सभी पपेट्स की नजर उसके ऊपर आ जाती है और वो काफी ज्यादा स्पीड से उसकी तरफ जाने लगते हैं। और इसी चीज का मौका पाकर लुओजिंग वहाँ पर अपनी स्कल पावर का इस्तेमाल करते हुए उनके ऊपर अटैक करता है, जिस वजह से वहाँ की जगह टूट जाती है और वो सभी पपेट्स भी वहाँ पर पूरी तरीके से टूटकर बिखर जाते हैं। जिसके बाद वहाँ पर लुओजिंग बाइली होंगफेंग से कहता है कि चलो हम तुम्हारा मेरा छोड़ें, हम दोनों 50-50% उस चेस्ट का हिस्सा आपस में बांटेंगे, जिस बात से वहाँ पर बाइली होंगफेंग काफी ज्यादा खुश होते हुए उस चेस्ट के ऊपर अटैक करता है, लेकिन तभी अचानक से उसके सामने एक शील्ड आ जाती है, जिस वजह से वो क्रिस्टल वहाँ पर टूटता तो नहीं है, लेकिन इसकी वजह से वहाँ पर मौजूद पपेट्स की आइस पूरी तरीके से रेड हो गई होती हैं, और वो वापस से जुड़ते हुए वहाँ पर बाइली होंगफेंग को घूरने लगते हैं, जिस बात से वहाँ पर बाइली होंगफेंग पूरी तरीके से घबरा गया होता है। तो इस पर लुओजिंग से बोलता है कि तुम यहाँ पर चिंता मत करो, मैंने यहाँ पर तुम तक पहुँचने नहीं दूंगा, तुम तो बस यहाँ पर उस क्रिस्टल को तोड़ने पर ध्यान दो। जो सुनकर बाइली होंगफेंग उस शील्ड के ऊपर अटैक करते हुए उसे वहाँ पर तोड़ने लगता है, जिससे कि उस शील्ड को तो वहाँ पर कुछ ही फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन इस वजह से वहाँ पर मौजूद पपेट्स काफी जल्दी गुस्से में उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं, जो देखकर लुओजिंग वहाँ पर अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेता है और अपनी स्वॉर्ड की मदद से उन सभी को एक एक करके ढेर करने लगता है, और उसने थोड़ी देर में ही वहाँ पर मौजूद जितने पपेट्स होते हैं सभी को वहाँ पर ढेर कर दिया होता है। और वहीं बाइली होंगफेंग ने भी उस शील्ड के ऊपर लगातार अटैक करते हुए उस वहाँ पर कई सारे क्रैक्स ला दिए होते हैं, इसीलिए वो वहाँ पर अपने डैगर की पावर को एक्टिवेट करते हुए उस क्रिस्टल को वहाँ पर डिस्ट्रॉय करने के लिए उसके ऊपर अटैक करने के लिए जा रहा होता है कि तभी वहाँ पर मौजूद पपेट्स में कुछ हलचल होती है और उनके हाथ में मौजूद जो भी स्वॉर्ड होते हैं वो उसकी बॉडी से अलग होते हुए वहाँ पर बाइली होंगफेंग की तरफ सीधे अटैक करने के लिए जाती है, जिन्हें देखकर लुओजिंग वहाँ पर बाइली होंगफेंग को बचाने के लिए वहाँ पर अपने स्पेशल की पावर का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पर एक पोर्टल ओपन करके उनके सामने आते हुए वहाँ पर अपनी स्पीड शॉट के एक शील्ड बनाकर उनके अटैक्स को रोक लेता है, जिस वजह से वहाँ पर बाइली होंगफेंग को भी मौका मिल जाता है और वो उस क्रिस्टल के ऊपर अटैक करते हुए उसे वहाँ पर डिस्ट्रॉय कर देता है, जिस वजह से वहाँ पर मौजूद पपेट्स ने काम करना बंद कर दिया होता है। और वहीं दूसरी तरफ इन सब की वजह से लुओजिंग के ट्रू एसेंस की पावर भी पूरी तरीके से ड्रेन हो गई होती है, इसीलिए वो वहाँ पर नीचे गिरने लगता है, तो वहाँ पर बाइली होंगफेंग उसे वहाँ पर संभालता है और उसे बेहोश देखकर वो वहाँ पर घबराते हुए उसे वहाँ पर जोर जोर से चिल्लाकर उठाने लगता है कि लुओजिंग उठो उठो, तुम्हारी वजह से हमने यहाँ पर इस ट्रेजर को हासिल किया है, तुम इस तरीके से यहाँ पर नहीं मर सकते हो। तो इस पर लुओजिंग उसका मुंह बंद कर देता है और उससे कहता है कि तुम यहाँ पर चिल्लाना बंद करो, मैं यहाँ पर अभी तक मरा नहीं हूँ, जिसे बिल्कुल ही ठीक देखकर बाइली होंगफेंग वहाँ पर खुश हो गया होता है।
और उसके बाद लुइज वहाँ पर सोचता है कि यहाँ पर स्पेस लॉ की पावर की मदद से टेलीपोर्ट करने की वजह से यहाँ पर मेरी पूरी पावर्स खत्म हो गई थी, इसलिए मुझे अगली बार से इस बात का ख्याल रखना होगा। वो तो अच्छा हुआ कि यहाँ पर किसी को चोट नहीं आई। और उसके बाद वो वहाँ पर ट्रेजर को 50-50% बांटने के लिए जाते हैं, जहाँ पर बाई लियांग फेंग लुइजिंग को मना कर देता है और उसे कहता है कि यहाँ पर सभी पपेट्स को तुमने यहाँ पर मारा था, और अगर तुम यहाँ पर नहीं होते तो शायद मैं यहाँ पर मारा जाता, इसलिए पूरा ट्रेजर यहाँ पर तुम्हारा है। और ये कहते हुए वो वहाँ से चला जाता है, जिस बात से हम वहाँ पर समझ सकते हैं कि बाई लियांग फेंग यहाँ पर यकीन करने लायक है, क्योंकि वो ट्रेजर वहाँ पर उसे भी चाहिए था, लेकिन फिर भी वो उसे लुइजिंग को देकर वहाँ से चला गया था। और उसके बाद लुइजिंग वहाँ पर उस चेस्ट के पास में जाकर उसे वहाँ पर ओपन करता है, जिसके अंदर से एक स्क्रॉल बाहर निकल कर आता है, जिसके अंदर लाइफ ऑफ विल नाम की टेक्निक होती है, जो कि एक सेंट ग्रेविटी की टेक्निक थी, जिसे देखकर लुइजिंग वहाँ पर हैरान हो गया होता है। और तभी अचानक से वो उस टेक्निक के अंदर चला जाता है, जहाँ उसे अपने सामने काफी बड़ा स्प्रेड एनर्जी से बना हुआ आदमी दिखाई देता है, जो कि उसे वहाँ पर बोलता है कि मैं यहाँ पर लगभग 5,000 सालों से जिंदा हूँ इस टेक्निक की रक्षा करते हुए, और आज ये टेक्निक मैं तुम्हें यहाँ पर देता हूँ, जो कि काफी ज्यादा सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करती है, जिस वजह से ये तुम्हारे लिए काफी ज्यादा सुटेबल होगी। और इसके अंदर 3 स्टेप हैं, जिनमें कि अगर तुमने यहाँ पर महारत हासिल कर ली तो फिर तुम यहाँ पर डिवाइन विंग्स से भी बड़ी आसानी से निपट सकते हो। और उसके इतना कहते ही वहाँ पर लुइजिंग के हाथ में कुछ रिंग्स आ गई होती हैं, जिनका इस्तेमाल करते हुए वो वहाँ पर एक पंच मारता है, जिसकी पावर वहाँ पर काफी ज्यादा होती है। और उसके बाद वो आदमी वहाँ पर लुइजिंग को गुड बाय बोलते हुए वहाँ से गायब हो जाता है, जिस वजह से लुइजिंग भी उस वर्ल्ड के बाहर आ गया था। और वो बाहर आने के बाद उस स्क्रोल की सभी एनर्जी को अपने अंदर रिजर्व करते हुए उसे अपनी स्टोरेज में रख लेता है, क्योंकि उसे इस टेक्निक में मास्टरी हासिल करने के लिए वहाँ पर थोड़ा सा टाइम चाहिए था, और फिलहाल उसे इस कॉम्पिटिशन पर ध्यान देना है। और उसके बाद वो वहाँ पर उस चेस्ट के पास में आता है, जिसके अंदर अभी भी वहाँ पर 2 ब्लड स्टोन पड़े हुए होते हैं, जिन्हें कि वो वहाँ पर अपने पास में रख लेता है। और इसके बाद हम वहाँ पर बाई लियांग फेंग को देखते हैं, जो कि बाहर इंतजार कर रहा होता है, और साथ में उसे वहाँ पर काफी ज्यादा भूख लगी होती है, जिस वजह से उसके पेट में दर्द हो रहा था, इसलिए वो वहाँ पर सोचता है कि क्या उस चेस्ट के अंदर कुछ खाने के लिए भी होगा। और उतने में अचानक से लुइजिंग उसके पीछे आ जाता है और उसे वहाँ पर बोलता है कि कहीं तुम यहाँ पर इस बात का अफसोस तो नहीं हो रहा है कि तुमने उस ट्रेजर को मुझे दे दिया। तो इस पर बाई लियांग फेंग उससे बोलता है कि अफसोस आखिर किस बात का, मैं बाई लियांग फेंग हूँ, मेरे सामने ये छोटे मोटे ट्रेजर्स कुछ भी नहीं है। तो इस पर लुइजिंग अपने पास से वही दोनों ट्रेजर्स बाहर निकालता है और उसे कहता है कि अच्छा ऐसी बात है, पहले तो मेरे ट्रेजर्स तुम्हें यहाँ पर देने वाला था, लेकिन अफसोस ये सभी छोटे मोटे ट्रेजर्स तुम्हारे सामने कुछ भी नहीं है, तो फिर ठीक है इन्हें मैं ही यहाँ पर रख लेता हूँ। और वो इससे आगे कुछ कह पाता कि उतने में बाई लियांग फेंग उससे यहाँ से वो ट्रेजर छीन लेता है और कहता है कि नहीं नहीं वो मैं नहीं बोल रहा था, मेरे अंदर की आत्मा बोल रही थी, तुम तो यहाँ पर मजाक भी नहीं समझते। और ये कहते हुए वो वहाँ पर उस ब्लड स्टोन को खा जाता है, जिसे देखकर लुइजिंग से पूछता है कि आखिर ये ब्लड स्टोन यहाँ पर करता क्या है। तो इस पर बाई लियांग फेंग उसे बताता है कि ये ब्लड स्टोन हमारे ब्लड को मजबूत करता है और साथ साथ हमारी सभी चोटों को भी यहाँ पर हील कर देता है, इसलिए तुम्हें इसे यहाँ पर खा लेना चाहिए। तो ये सुनकर लुइजिंग भी उस ब्लड स्टोन को वहाँ पर खा लेता है, जिस वजह से उसके अंदर से काफी एनर्जी बाहर निकलने लगती है और उन दोनों की वो सभी चोटें यहाँ पर ठीक हो गई होती हैं, जो कि इस फाइट से उन्हें यहाँ पर लगी थी। और उसके बाद लुइजिंग वहाँ पर सोचता है कि ट्रेजर को हासिल करने में काफी ज्यादा देर हो चुकी है, इसलिए मुझे जल्द से जल्द यहाँ पर जी के पास जाना होगा। तो इस पर बाई लियांग फेंग उससे कहता है कि अच्छा वही जो कि तुम्हारे साथ थी, हाँ मैंने देखा था उसके ऊपर जाओ जिया हु ने पीछे से छिपकर अटैक किया था, लेकिन वो वहाँ पर समझदार थी इसलिए वो उसके हाथ नहीं आई। जो सुनकर लुइजिंग उससे कहता है कि जाओ जिया हु ये वही है ना, वो फॉलिंग स्काई सेक्ट की जूनियर। तो इस पर बाई लियांग फेंग कहता है कि हाँ ये वही है, ये और इसके कुछ लोग यहाँ पर माउंटेन से बाहर जाने वाले रास्ते पर ट्रैप लगाकर उनसे उनके ट्रेजर छीन लेते हैं, जिनसे कि यहाँ पर हमारा भी सामना हो सकता है। तो ये सुनकर वो लोग वहाँ पर सोचने लगते हैं कि आखिर वो इनसे यहाँ पर कैसे बचेंगे, जिस पर बाई लियांग फेंग को वहाँ पर एक आइडिया आता है, लेकिन इसके बारे में हमें यहाँ पर कुछ भी नहीं बताया जाता है। और उसके बाद वो दोनों उन माउंटेन से बाहर जाने लगते हैं, जहाँ पर जाओ जिया हु उनका ही इंतजार कर रही होती है और उसकी नज़र उनके ऊपर ही पड़ जाती है, और वो सोचती है कि चलो यहाँ पर मेरी सिल्वर चेस्ट वाला आ ही गया, जिसका मैं इतने टाइम से इंतजार कर रही थी। और ये कहते हुए वो वहाँ पर अपने लगे हुए ट्रैप को एक्टिवेट करती है, जिस वजह से उन दोनों के चारों तरफ एक बैरियर आ गया होता है।
और उसके बाद वो उन दोनों को वहाँ पर थैंक्स बोलती है कि तुम दोनों ने यहाँ पर सिल्वर चेस्ट को हासिल करने में मेरी मदद की है, इसलिए अब चुपचाप वो सिल्वर चेस्ट यहाँ पर मेरे हवाले कर दो। तो इस पर बाइली होंगफेंग उससे कहता है कि हम तुम्हारे उन लोगों के जैसे नहीं हैं जो कि तुम्हारे यहाँ पर इस धमकी से डर जाएं। तुम में अगर हिम्मत है तो यहाँ नीचे आकर तुम यहाँ पर हमारा सामना करो। जिस पर जाओ जियाहू एक्टिंग करते हुए बोलती है कि तुम दोनों मुझ जैसी छोटी सी बच्ची को यहाँ पर डरा रहे हो, इसलिए मुझे लगता है कि तुम दोनों को यहाँ पर पनिश करना होगा। और ये कहते हुए वो वहाँ पर अपनी फ्लेम्स की मदद से उस बैरियर के अंदर फायर लगा देती है, जिसे देखकर वहाँ पर लूजिंग बाइली होंगफेंग के ऊपर इंजाम लगाते हुए कहता है कि वो चेस्ट यहाँ पर मेरे पास नहीं उसके पास है, इस चीज से यहाँ पर मेरा कुछ भी लेना देना नहीं है, इसलिए तुम यहाँ से मुझे जाने दो। तो इस पर जाओ जियाहू उससे बोलती है कि अच्छा ठीक है लूजिंग, तुम यहाँ पर उससे वो चेस्ट ले लो, फिर मैं तुम्हें यहाँ से निकाल दूंगी और साथ साथ तुम्हें यहाँ पर कुछ इनाम भी दूंगी, और अगर तुम ऐसा नहीं करते तो फिर ये लो। और ये कहते हुए वो वहाँ पर दो फायर टोर्नेडो क्रिएट कर देती है जो कि उन दोनों की तरफ ही बढ़ रहे होते हैं। तो ये देखकर लूजिंग वहाँ पर हार मानते हुए कहता है कि ठीक है मैं तुम्हारे लिए वो चेस्ट यहाँ पर ले लूंगा। तो ये सुनकर जाओ जियाहू उस टोर्नेडो को वहाँ पर रोक देती है और उसे ऑल द बेस्ट बोलती है। और वहीं ये सब कुछ देखकर बाइली होंगफेंग वहाँ पर लूजिंग से बोलता है कि लूजिंग मैंने समझा था कि हम दोनों यहाँ पर दोस्त हैं। तो इस पर लूजिंग उससे बोलता है कि दोस्त आखिर किस तरीके के दोस्त, हम मैच यहाँ पर 2 घंटे ही पहले मिले हैं तो हम यहाँ पर दोस्त कैसे हो सकते हैं। और ये कहते हुए वो दोनों जन एक दूसरे के ऊपर अटैक करने लगते हैं, जिसे कि वहाँ पर दूर से जी भी देख रही होती है। और ये सब कुछ देखकर जी वहाँ पर सोचती है कि लूजिंग इस तरीके का बंदा नहीं है जो कि किसी के सामने इतनी आसानी से झुक जाए, इसका मतलब ये दोनों जन यहाँ पर नाटक कर रहे हैं। और वहीं पर उन दोनों की फाइट कंटिन्यूसली चालू होती है, जिसमें कि बाइली होंगफेंग लूजिंग के ऊपर भारी पड़ रहा होता है और वो लूजिंग को अपनी डैगर की मदद से पीछे धकेलते हुए कहता है कि तुम्हारी यहाँ पर हिम्मत कैसे हुई मुझे यहाँ पर धोखा देने की, इसलिए आज तुम्हें मेरे हाथों से कोई भी नहीं बचा सकता है, इसलिए तुम्हें चुपचाप यहाँ पर हार मान लेनी चाहिए। और ये कहते हुए वो उसे वहाँ पर उस फायर टोर्नेडो के अंदर फेंक देता है, जिसके अंदर लूजिंग वहाँ पर जलने की एक्टिंग करते हुए कहता है कि मुझे यहाँ पर बचाओ बचाओ। और वहीं पर ये सब कुछ देखकर जी को तो वहाँ पर पूरी तरीके से यकीन हो गया होता है कि लूजिंग यहाँ पर एक्टिंग ही कर रहा है, क्योंकि उसके पास डायवर्जन स्प्रिट फायर है, तो फिर आखिर उसे यहाँ पर क्या ही हो सकता है। और ये देखकर वहाँ पर जाओ जियाहू घबरा गई होती है, क्योंकि ये अभी भी यहाँ पर ट्रायल है और अगर इसमें यहाँ पर लूजिंग मारा गया तो फिर आखिर वो यहाँ पर एल्डर्स को क्या जवाब देगी, इसीलिए वहाँ पर अपने दोनों फायर टोर्नेडोस को वहाँ से गायब कर देती है, जिसके अंदर लूजिंग के सारे कपड़े जल गए होते हैं और साथ साथ वो वहाँ पर बेहोश भी हो गया होता है। तो ये देखकर बाइली होंगफेंग उसके पास में आता है और उसे वहाँ पर चेक करता है तो वहाँ पर शॉक हो जाता है। और उसके बाद वो वहाँ पर चिल्ला चिल्ला कर बोलता है कि जाओ जियाहू ने यहाँ पर एक पर्सन को लूटने के इरादे से यहाँ पर मार डाला, जो सुनकर जाओ जियाहू वहाँ पर शॉक हो गई होती है। लेकिन तभी वहाँ पर अचानक से लूजिंग उठते हुए बाइली होंगफेंग को अपनी स्पीड थ्रेड्स की मदद से पकड़ लेता है, जिस वजह से बाइली होंगफेंग वहाँ पर समझ नहीं आता है कि आखिर ये क्या है, और ये उसके ट्रू एसेंस की पावर्स को वहाँ पर एब्जॉर्ब कर रही होती है। जिस पर लूजिंग से बोलता है कि तुम्हारा इनसे बच पाना काफी ज्यादा ही मुश्किल है, क्योंकि ये मेरी ट्रू एनर्जी से बनी हुई थ्रेड्स हैं, इसलिए तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि तुम चुपचाप वो चेस्ट यहाँ पर मेरे हवाले कर दो। तो ये सुनकर बाइली होंगफेंग भी वहाँ पर हार मानते हुए उस चेस्ट को वहाँ पर बाहर निकाल लेता है, जिसे कि लूजिंग वहाँ पर उससे ले लेता है, जो देखकर जाओ जियाहू तो काफी खुश होते हुए उससे कहती है कि लूजिंग तुम तो सच में काफी ज्यादा कूल हो और तुम्हारा फिगर भी एक नंबर है, लूजिंग तुम सच में काफी ज्यादा बेस्ट हो, इसलिए अब एक काम करो वो चेस्ट यहाँ पर मेरे हवाले कर दो। तो इस पर लूजिंग उससे बोलता है कि तुम भी मुझे इस बैरियर से बाहर निकाल दो, वैसे भी मैं यहाँ पर काफी ज्यादा इंजर्ड हो चुका हूँ, इसलिए मुझे नहीं लगता है कि मैं तुमसे यहाँ पर फाइट भी कर पाऊंगा। इस पर जाओ जियाहू उसे मना करते हुए बोलती है कि लूजिंग तुम्हारे ऊपर यकीन कर पाना काफी ज्यादा मुश्किल है, लेकिन तुम मुझ जैसी यहाँ पर सुंदर सी लड़की के ऊपर भरोसा कर सकते हो, मैं तुमसे यहाँ पर झूठ नहीं बोलूंगी, इसलिए तुम यहाँ पर मुझ पर भरोसा करते हुए उस चेस्ट को यहाँ पर अपनी थ्रेड्स की मदद से मुझ तक पहुँचा दो, जिस बात के लिए लूजिंग भी यहाँ पर मान गया होता है। तो इस पर जाओ जियाहू उस बैरियर के अंदर एक छोटा सा छेद कर देती है, जिसके थ्रू लूजिंग वहाँ पर अपनी थ्रेड्स की मदद से उस चेस्ट को जाओ जियाहू तक पहुँचा देता है, जिसे पाते ही जाओ जियाहू वहाँ पर लूजिंग को धोखा देने का सोच रही होती है कि उससे पहले लूजिंग वहाँ पर अपने स्पेस लॉकी पावर का इस्तेमाल करते हुए उसके पास में पहुँच जाता है, जिस वजह से वो तो वहाँ पर घबरा गई होती है। और वहीं ये सब कुछ देखकर जी भी वहाँ पर समझ जाती है कि इसने अभी यहाँ पर अपनी स्पेस लॉकी पावर का इस्तेमाल किया है, जिसे कि वो इतने टाइम से देखना चाहती थी।
जिसके बाद लूजिंग वहाँ पर सिर्फ अपने एक पैर की मदद से उस बैरियर को वहाँ पर डिस्ट्रॉय कर देता है और उसके बाद वो वहाँ पर पायली होंग फेंग को भी अपनी थ्रेड्स से आजाद कर देता है, जिससे आजाद होते ही पायली होंग फेंग वहाँ पर सीधे उस जाओजियाओ की बच्ची के पास में जाता है और उससे वहाँ पर बोलता है कि क्या हुआ, हैरान हो गई क्या, और ये कहते हुए वो उसके माथे के ऊपर अटैक करके उसे वहाँ पर पीछे फेंक देता है, जिस वजह से वो वहाँ पर नीचे गिरने लगती है। लेकिन तभी वो वहाँ पर अपने पास से एक उड़ने वाला आर्टिफैक्ट, जिसे कि हम यहाँ पर उड़ने वाला कालीन भी कह सकते हैं, उसे निकालते हुए उसकी मदद से वहाँ से भागने लगती है, जिसे कि वहाँ पर जी भी देख रही होती है और इसीलिए वो उसे रोकने के लिए अपने आइस पावर्स की मदद से उसके ऊपर अटैक करती है, जिससे कि वो वहाँ पर जाओजियाओ की बच्ची किसी तरीके से बच जाती है। लेकिन एक अटैक उसके कालीन में लग जाता है, जिस वजह से वो वहाँ पर पूरी तरीके से जम गया होता है, मगर उससे पहले ही जाओजियाओ उसे वहीं पर छोड़कर वहाँ से भाग जाती है, जो देखकर जी वहाँ पर उस कालीन को अपने पास में रख लेती है कि ये आगे चलकर हमारे काफी जल्दी काम आएगा। और उसी समय वहाँ पर बायली होंग फेंग उसके पास में आ जाता है और उसे वहाँ पर अपना इंट्रोडक्शन देता है कि मैं बायली होंग फेंग हूँ और मैं लूजिंग का एक दोस्त हूँ, जिसके साथ में वहाँ पर लूजिंग भी आ गया होता है और उसने वहाँ पर कपड़े नहीं पहने होते हैं, जो देखकर जी वहाँ पर पीछे घूम जाती है और उसे कहती है कि तुम्हें यहाँ पर थोड़ी शर्म तो आनी चाहिए कि कम से कम तुम यहाँ पर किसी लड़की के सामने आओ तो उसके सामने आने पर कपड़े तो पहने होने चाहिए, जिस बात का एहसास वहाँ पर लूजिंग को भी हो गया होता है, इसीलिए वो वहाँ पर जल्दी से कपड़े चेंज कर आ जाता है, जिसके आने के बाद जी उनसे वहाँ पर पूछती है कि अभी वो जो यहाँ पर चेस्ट लेकर भागी है क्या वो खाली है, तो इस पर वो लोग उसे बताते हैं कि नहीं वो खाली तो नहीं है, उसके अंदर कुछ तो है, और उसकी तरह कहती हम वहाँ पर जाओजियाओ को देखते हैं जो कि भागते हुए उनसे वहाँ पर काफी ज्यादा दूर आ गई होती है, इसलिए वो वहाँ पर एक जगह पर बैठकर उस चेस्ट को ओपन करती है, जिसके अंदर जब वो देखती है तो वहाँ पर हैरान हो जाती है क्योंकि उसके अंदर एक मकड़ी होती है जो कि तेजी से उछलकर उसके मुंह के ऊपर चिपक जाती है और वो वहाँ पर चिल्लाने लगती है, जिसके बाद हम वहाँ पर उन तीनों को देखते हैं जो कि फायर सी को उस कालीन की मदद से पार कर रहे होते हैं और साथ साथ वहाँ पर जाओजियाओ हु का मजाक भी उड़ा रहे थे, जिस बारे में जी वहाँ पर उनसे पूछती है कि आखिर ये चेस्ट वाला प्लान यहाँ पर किसका था, तो इस पर बायली होंग फेंग कहता है कि वो प्लान यहाँ पर मेरा था, आखिर मेरे अलावा ऐसी हरकत कौन ही कर सकता है, और उस चेस्ट के अंदर जो स्पाइडर था वो मेरी कलेक्शन का एक स्पेशल इंग्रेडिएंट था जो कि ग्रिल करके खाने के बाद काफी ज्यादा टेस्टी लगता है, जो सुनकर वहाँ पर जी को काफी ज्यादा अजीब लगता है और वो कहती है कि क्या तुम यहाँ पर कीड़े खाते हो। लेकिन इसी बीच अचानक से आसमान में उन्हें एक स्प्रेड स्वॉर्ड दिखाई देती है, जिसे देखकर लूज वहाँ पर पहचान जाता है कि ये स्वॉर्ड तो सीनियर वो की लाइटनिंग स्वॉर्ड है, आखिर ये यहाँ पर कैसे, और इसीलिए वो तेजी से उसकी तरफ जाने लगते हैं, जहाँ पर सीनियर वो एक फायर बीस्ट से बचकर भाग रहे होते हैं, जिससे बचते हुए वो वहाँ पर एक चट्टान के ऊपर आ गए थे, जहाँ पर वो बीस्ट उनके सामने आते हुए उनके ऊपर अटैक कर देता है, तो उससे बचते हुए सीनियर वो वहाँ पर अपनी स्वॉर्ड की मदद से उसके ऊपर अटैक करते हुए उसे वहाँ पर इंजर्ड करने लगते हैं, लेकिन इसका उसके ऊपर कुछ भी अटैक नहीं होता है क्योंकि उसकी चमड़ी काफी ज्यादा मोटी होती है, इसलिए सीनियर वो वहाँ पर उससे निपटने के लिए अपनी थंडर पावर की मदद से उसके ऊपर अटैक करके उसे वहाँ पर इंजर्ड कर देते हैं, जिस वजह से वो वहाँ पर लावा में गिर जाता है और इसके बाद वो उसे इधर उधर ढूंढने लगते हैं, लेकिन वो उन्हें वहाँ पर कहीं पर भी नहीं दिखाई देता है, मगर तभी अंत में हमें उसकी आई दिखाई देती है, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वो काफी जल्दी गुस्से में आ चुका है। और इसी के साथ में ये वाला वीडियो भी यहीं पर ही खत्म होता है। आई होप के वाला वीडियो आप सभी ने इंजॉय किया होगा।